कहाँ गई वो दादी नानी जो वीरों की गाथा सुनाती थी, लक्ष्मीबाई पद्मिनी अहिल्या के किस्से जो मुझ बानी दोहराती थी। कहाँ गया जय घोष हिंद का जो आकाश को चूमा करता था, सुनकर जिसकी तीव्र गर्जना हर मन झूमा करता था। नमस्ते, मेरा नाम मोनिका सिंह है और मैं देशभक्ति की एक कविता सुनाने वाली हूँ। इस तरह की कविताएं अक्सर YouTube पर अंडररेटेड ही रहती हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस किसी को भी माँ सरस्वती ने लिखने का वरदान दिया है, उस हर एक इंसान को एटलीस्ट एक कविता देश के नाम लिखनी चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता जताने और जागृति फैलाने का इससे अच्छा माध्यम कोई हो नहीं सकता। तो मैं शुरू करती हूँ कि बच्चा बच्चा मेरे देश का जब, बच्चा बच्चा मेरे देश का जब आज़ादी का कायल है, मैं समझ न पाती देश मेरा क्यों अब भी इतना घायल है। कुछ लोग रोजी की खातिर यहाँ सड़कों पे तिरंगा बेच रहे, कुछ लोग तिरंगा हाथ लिए बस अपनी जेबें सेक रहे। कुछ लोग तिरंगे की खातिर सीने पर गोली खाते हैं, कुछ लोग तिरंगे में लिपटे फिर घर को वापस आते हैं। आँखों से छलकते हैं आंसू, आंखों से छलकते हैं आंसू, हृदय गौरव से भर जाता है। इस देश में जन्मा हर बच्चा, इस देश में जन्मा हर बच्चा माँ का रक्षक कहलाता है। पर रंगों का तिरंगे में बट जाना, कुछ समय पहले मैंने सुना था कि हम हिंदुस्तानियों ने तिरंगा जो हमारी एकता का प्रतीक है उसे भी कुछ इस तरह से बांट लिया है कि उसमें केसरिया रंग हम हिंदुओं का, हरा रंग मुसलमानों का और सफ़ेद रंग उसमें क्रिश्चियंस का है। सुनकर पढ़कर बहुत दुख हुआ और जब कोई चीज़ दिल को छूती है तो फिर एक कविता बनती है जिसे मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो रंगों का तिरंगे में बट जाना मेरे देश बड़ा दुखदायक है, बच्चा बच्चा मेरे देश का जब आज़ादी का कायल है, मैं समझ न पाती देश मेरा क्यों अब भी इतना घायल है। ये देश है विक्रम बत्रा का, ये देश है विक्रम बत्रा का, मौत को जिसने ललकार दिया, रुकती रुकती सांसों से भी चोटी पे तिरंगा गाड़ दिया। इमेजिन करके देखिए उस वीर की, उस वीरता को, उस पल को, उस मंजर को जो उसने तब दिखाई होगी, तब जिया होगा जब उसका शरीर गोलियों से बुरी तरह छलनी था, वो बुरी तरह घायल था, लेकिन आंखें बंद होने से पहले मातृभूमि के प्रति अपने उस प्रण को पूरा करना चाहता है, अपने उस सपने को साकार करना चाहता है जो उसने कभी खुली आँखों से देखा है, कारगिल की चोटी पर तिरंगा लहराने का सपना। तो ये देश है विक्रम बत्रा का, मौत को जिसने ललकार दिया, रुकती रुकती सांसों से भी चोटी पे तिरंगा गाड़ दिया। ये देश है उस तुकाराम का, ये देश है उस तुकाराम का, किसी कसाब से जो डरा नहीं, छलनी छलनी हो जाए पर एक इंच वो पीछे हटा नहीं। ये देश है वीरों की जननी, ये देश है वीरों की जननी, हर कदम यहाँ बलिदान है, रहे सलामत सदा तिरंगा जिस पर 100 वीर कुर्बान है। पर भूल के वीरों की कुर्बानी, भूल के वीरों की कुर्बानी आज महज उनका इतिहास बन रह जाना, बात ये पीड़ादायक है, बच्चा बच्चा मेरे देश का जब आज़ादी का कायल है, मैं समझ न पाती देश मेरा क्यों अब भी इतना घायल है। कहाँ गई वो दादी नानी, कहाँ गई वो दादी नानी जो वीरों की गाथा सुनाती थी, लक्ष्मीबाई पद्मिनी अहिल्या के किस्से जो मुझ बानी दोहराती थी। कहाँ गया जय घोष हिंद का जो आकाश को चूमा करता था, सुनकर जिसकी तीव्र गर्जना हर मन झूमा करता था। कहाँ गया वो बीज प्रेम का, कहाँ गया वो बीज प्रेम का जो आज़ाद भगत ने बोया था, रहे वतन आबाद ये उनका, रहे वतन आबाद ये उनका, सोच जान को खोया था, आज खोकर अपनी संस्कृति सारी, आज खोकर अपनी संस्कृति सारी, हम सबका खुद ही में व्यस्त रह जाना, ये दशा सोचने लायक है, और बच्चा बच्चा मेरे देश का जब आज़ादी का कायल है, मैं समझ न पाती देश मेरा क्यों अब भी इतना घायल है, क्यों अब भी इतना घायल है।